मॉनसून्स के सीज़न में वाटर बोर्न डिजीज़ काफ़ी कॉमन होती हैं। सो अब अगर हम वाटर बोर्न डिजीज़ की बात करें तो बैक्टीरिया होता है, वायरसेस होते हैं जिनसे ये बीमारियाँ होती हैं। ये यूजुअली गंदा पानी पीने से होती हैं। अगर आप रोड साइड कहीं पानी पी लीजिए या जूस पी लीजिए तो वो कंटामिनेटेड आइस वगैरह से इन्फेक्शन हो जाता है। सो इसमें कॉमन इन्फेक्शन जो हैं वो हैं टाइफॉइड, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कॉलरा जो अगेन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो वायरल या बैक्टीरियल भी हो सकता है, और जिसे कॉमनली हम जॉन्डिस बोलते हैं, वायरल हेपेटाइटिस, वो भी गंदा पानी गंदा खाना खाने से होता है। इसमें दो टाइप्स के वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉमनली बुखार, पेट दर्द, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, और अगर एक दो दिन में इसका डायग्नोसिस या इलाज ना हो तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, स्पेशली वायरल हेपेटाइटिस में जो लिवर को इन्वॉल्व करता है। तो इसलिए डायग्नोसिस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हाइड्रेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो तो आपकी किडनी पे असर आ सकता है। कई बार आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, इंट्रावीनस फ्लूइड्स देने पड़ते हैं, एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस। अगर आप ध्यान रखें, जब भी मानसून के सीज़न में आप बाहर जाएँ या कहीं पानी पीना हो तो बॉटल वाटर पिएँ, आरओ का पानी पिएँ या बॉयल वाटर पिएँ। खाने पीने में भी आपको ध्यान रखना होगा, रोड साइड जो भी खाना आता है, चटपटा खाना होता है, वो यूजुअली स्टेल होता है, बासी हो जाता है इस सीज़न में, तो इन्फेक्शन हो सकता है। सो इन बीमारियों से बचने के लिए मानसून के सीज़न में साफ़ सुथरा खाना खाइए, पानी पे ध्यान दीजिए, और अगर आपको सिम्टम्स हों तो तुरंत अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कीजिए। कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, स्टूल टेस्ट होते हैं, जिससे डायग्नोसिस होता है, और जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिलेगा और कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.